के बारे में इसके जो इसको खोलेंगे एक और एप्पल एप्पल यहाँ पर लिखा हुआ है एक और इसका चित्र भी बना हुआ है, बच्चा देखेगा चित्र को कि यहाँ पर सेब है और यहाँ पर ए पी पी एल ई लिखा हुआ है। पहले हम कम से कम 5 तो सिखाएंगे फिर 10 तो ऐसे करके भरेंगे, बच्चा आसानी उसको भी करने देंगे। इसको देखो तुम ए ए क्या है, ये है इसका छोटा अक्षर ये है, ये कैपिटल लेटर है, ये स्मॉल लेटर है और वो ए से क्या बनता है, ये एप्पल बनता है और उसको ए पी पी एल ई बाद में वो भी सिखाएंगे एप्पल मतलब से। ऐसे करके हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। बी है बी फॉर बॉल, बी फॉर कैट है, ठीक है बच्चों को भी हम लोग दिखाएंगे। बी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफेंट, एलिफेंट मीन्स हाथी, ए फॉर फिश, जी फॉर गोट बकरी, एच फॉर हैंड, आई फॉर इंकॉट, जे फॉर जग, के फॉर काइट, एल फॉर लायन, एम फॉर मैंगो, एन फॉर नेस्ट घोंसला, ओ फॉर आउल उल्लू, मातृभाषा में भी बोलेंगे बहुत बच्चा को पहचान आता है वो भी बोलेंगे, उल्लू क्या आता है वो भी समझ जाएगा कि उसको मातृभाषा में पहचान भी बोला जाता है। पैरोट किया तोता, कोई बच्चा बोलेगा किया बाकी कोई कोई बोलेगा तोता है। क्यू फॉर क्वीन रानी, आर फॉर रेड चूहा, एस फॉर शिप जहाज, टी फॉर ट्रेन रेलगाड़ी, यू फॉर अम्ब्रेला छतरी, वी फॉर वायोलिन वायोलिन मतलब वायोलिन, डब्ल्यू फॉर वॉच घड़ी, एक्स फॉर एक्समस ट्री, वाई फॉर या जेड फॉर जेब्रा। हम लोगों को ऐसे बच्चे को दे ठीक है सी ए सी लगाए सी उधर एटी है, एटी ध्वनि के साथ सी का आपका कॉम्बिनेशन है बेसिकली इंग्लिश में जो डिफॉर्म्स वगैरह होता है उसके साथ वो लेटर का कॉम्बिनेशन है। ये आपका वर्ड स्टॉक हो गया, शब्द भंडार हो गया।